कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे। आपको पता है गजब की न्यूज निकल के आई है आपके सामने। कई बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, जो कि आपको पता होगा सीआरपीएफ में उन्होंने फॉर्म भरा था। उनको ऐसा लगा कि यार हमारा एडमिट कार्ड रिजेक्ट, मतलब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों की कमेंट आई है, कई बच्चों का एडमिट कार्ड अभी आज आया है आपका 27 मार्च के लिए, जिनका एग्जाम लगा है 27 मार्च को। जबकि आपको ये पता होगा कि सीआरपीएफ का जो एग्जाम था वो 12 मार्च को क्लोज हो गया था और आंसर की कई लोगों की आ गई थी। इसी वजह से आंसर की को अभी रोक दिया गया है। अब देखना ये है कि भैया ये एग्जाम होता है 27 को या नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार एडमिट कार्ड निकला है तो एग्जाम तो अवश्य होगा। तो जिनकी आंसर की नहीं आ रही है, एकदम घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अपडेट होगी, कोई न्यूज़ होगी, तो वो सबसे पहले MD क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको बता दी जाएगी। जैसा कि आज आपकी ये अपडेट जो है ये आपके सामने आ गई है, तो आंसर की वाले परेशान नहीं होंगे। और जिनका एग्ज़ाम है 27 को, वो सभी लोग, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं उसकी पल की अपडेट आपको देता रहूंगा, ठीक है ना। तो जिनका एग्जाम है 27 को, उनको ऑल द बेस्ट है। बाकी आंसर की के लिए आपको घबराना नहीं है। अब देखते हैं सीआरपीएफ में क्या झोल चल रहा है, एग्जाम होता है कैसे होता है, मतलब कब होता है, और आंसर की कब आती, तो जैसे ही आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।